हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है मैं 2023 का जो है कटअप और किसमें कितना नंबर मिलेगा और जो है कितने पर जो है पासिंग मार्क होता है और कितने पर जो है आपका मेरिट बनाएगा, इन सभी चीज़ों को यहाँ मैं लाइन बाई लाइन समझाने वाला हूँ। देखिए, 2023 का कटअप OBC, EBC और SC ST और जनरल का कितना कटअप जाएगा इस साल, और जो है अब की बार जो है आपका कितना नंबर पर जो है मेरिट बनेगा यानी सिलेक्शन हो जाएगा, इन सभी चीज़ों को चलिए मैं लाइन बाई लाइन क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, चाहे आप नर्सिंग असिस्टेंट हो या अग्निवीर, कोई भी ट्रेड यानी कि टेक्निकल, क्लर्क, GD या ट्रेडमैन, जो भी हो आप, इन सभी चीज़ों को यहाँ लाइन बाई लाइन समझाया गया है। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, SC और ST के लिए जो है आपका 32 यानी कि 16 क्वेश्चन पर क्वालिफाई रखा है। OBC का जो है 17 के आसपास यानी कि 18 क्वेश्चन पे क्वालिफाई नंबर है, और जो है जनरल यानी कि अदर जो कैंडिडेट होते हैं यानी कि 20 नंबर पे उसका क्वालिफाई पासिंग मार्क है। ठीक है, जब पासिंग मार्क आपका इतना है तो देखिए आपको फिजिकल में कितना देता है और जो है आपका कितना परसेंटेज पर जो है मेरिट बनता है। तो देखिए, जनरल ड्यूटी के लिए आपको क्या बताया है, 32% मार्क्स, टेक्निकल के लिए 40%, नर्सिंग असिस्टेंट 40%, और क्लर्क जो है 40%, और ट्रेडमैन जो है 32%। यहाँ समझ गया। अब देखिए आपको किस में कितना नंबर देगा। यदि आप रनिंग दौड़ते हैं तो रनिंग में यदि आप गुड मारते हैं तो आपका 60 मार्क्स मिलता है, सॉरी एक्सीलेंट में आपको 60 नंबर मिलेगा। कितना मिनट में दौड़ेंगे यानी 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेगा। यदि वही 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर दौड़ते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेगा। तो आपको कभी भी दौड़ना है तो 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़िए, या आप जो है 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़िए। आपको गुड और एक्सीलेंट दो ही अभी रखा है, इसी में आपको पास करेगा। अगर आप नर्सिंग या टेक्निकल से है तो आपको ये एक्सीलेंट और गुड का कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ आप पास हैं तो भी आपका काम चलेगा। अब देखिए चिन अप यानी कि जो है बीम आपको कितना लेगा। तो बीम जो है अगर आप 10 मारते हैं, 10 नंबर से यदि एक्स्ट्रा मारते हैं तो आपको 40 नंबर, 9 मारते हैं तो 33 नंबर, और 8 मारते हैं तो 27 नंबर, और 6 मारते हैं तो दोस्तों 21 नंबर, और जो है 7 मारते हैं तो 21 नंबर, और 6 मारते हैं तो आपको 16 नंबर दिया जाता है। तो आपको जितना भी कम से कम मारिए, आप 6 से 8 के बीच में मारिए, 10 भी मारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप नर्सिंग असिस्टेंट हो या टेक्निकल। अग्निवीर वालों के लिए इस पर मैनेज करता है, क्योंकि इसमें जो है अग्निवीर का नंबर जुड़ता है रनिंग का और चिनअप का, दोनों का जो है अग्निवीर GD में रनिंग जुड़ता है। तो दोस्तों, आपका मेरिट देखिए कितना बनेगा। यदि आपको क्वालिफाई मार्क्स इतना रखा है तो आपका मेरिट कम से कम देखिए, ये आप 16 पर क्वालिफाई रखा है SC ST, तो इसको दोस्तों कम से कम यहाँ 30 नंबर चाहिए, 30 क्वेश्चन, यहाँ 30 वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सही करना है, और जो है यहाँ जनरल वाले के लिए कम से कम 35 क्वेश्चन सही करना है। तो दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे कि जो SC ST है उसको 30 कम से कम क्वेश्चन सही करना है, और जनरल वाले के लिए जो है 35 क्वेश्चन कम से कम सही करना है, तभी जाके जो आपका मेरिट बनेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे। यदि और भी कोई प्रकार की डाउट या समस्या हो दोस्तों, तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि देखिए साइट में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठुक ठहरा रहा है, जिससे यह आवाज़ आपका क्लियर नहीं जाएगा। दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।